बेटा हरे कृष्ण बच्चों, एक बुक देना फटाफट। कैसी चल रही पढ़ाई तेरी? हरे कृष्ण बेटा साक्षी। अरे ये गेट बार बार ओपन क्यों कर देते हो? गेट स्टॉपर हटा देना नीचे से। कल हम लोग क्या कर रहे थे? अच्छा हाँ, फोर। चलो बेटा थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। ये क्या पूछ रहा है बेटा? अच्छा हरे कृष्ण। मैंने कहा एस फोर पूछ रहा है। मैंने कहा एस फोर में हरे कहाँ से आ गया? बेटा हरे का मतलब होता है राधा, राधे कृष्णा, ठीक है ना? नकुल आ गई बात समझ में? राधे हरे कृष्णा लिखते हैं ना जब, बेटा हरे कृष्णा का मतलब राधे कृष्णा और हरे रामा का मतलब सीताराम। बेटा हरे मतलब है ना भगवान में, वो है ना जो सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, तो वो जो हरे वर्ड है ना वो सीता और राधा जी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि भगवान का नाम कभी भी जैसे तुम राम राम करोगे ना भाई, प्राचीन मान्यता है राम राम या कृष्ण कृष्ण करने से ज्यादा हरे कृष्ण और हरे राम करने से फल मिलता है। तो ये अपने आप में मूल मंत्र हो जाता है। एक वो पढ़ा है आपने, वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे, 16 बार। ये राधा कृष्ण और सीताराम ही है। नेक्स्ट चलो मुद्दे पर आते हैं बेटा। बहुत सी ये देखो, फिर गेट अभी तो बंद करवाया ना? नहीं स्टॉपर हटा देना इसका। अच्छा अपने आप नीचे बेटा। कल हम AS4 के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा करो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो फिर डिस्कशन हम करते हैं। मैंने कल आपको एक बात बताई थी मैंने। अच्छा कितनी बातें बताई थी मुझे ये बताओ AS4 के बारे में बेटा? 3 चीजें बताई थी। एक इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फिर एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दो तरह के होंगे, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। चलो तो पहले हम लिखते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बारे में। तो लिखो यहां पर नंबर 1 इवेंट्स, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोथ फेवरेबल अनफेवरेबल दैट ऑकर्स बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटीज, ये बेटा नंबर वन डेफिनेशन है, ये याद होनी चाहिए आपको। टाइप ऑफ सच, टाइप्स ऑफ सच क्या है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। टाइप ऑफ सच सिग्निफिकेंट इवेंट, टाइप ऑफ सच इवेंट्स, ये लाइनें कैसे आ रही है, डेली आती हैं। सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा इसे क्या अब चुप हो जा नाराज बेटा, क्या लिखा समझ में आ गया? मैंने आपको बताया था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दोज, हम हर इवेंट की बात नहीं कर रहे, जैसा 5 का नोट गिर गया और खो गया वो भी तो इवेंट है, सब उसको क्या करेंगे। तो बेटा हर इवेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। कई बार नहीं होता अकाउंटेंट की डेस्क के नीचे 5 का सिक्का चला गया, वो मिल ही नहीं रहा। अब आप बोलो साहब इवेंट हो गया, एक पैसा चोरी हो गया, कितना बोले 5 का नोट। हम यहाँ सिग्निफिकेंट इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो मैटर नहीं करता, दैट अकर्स बिटवीन द बैलेंस शीट डेट। तो मैंने आपको बताया था ये बेटा बैलेंस शीट डेट है और ये आपकी डेट ऑफ अप्रूवल है। इस डेट के बीच में ये जो इवेंट होंगे, ये जो सिग्निफिकेंट इवेंट होंगे, इनके बारे में बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट डेट अप्रूव्ड कौन करेगा, अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, और वो कौन होगा मैंने बता दिया था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, सोल प्रोपराइटर्स, ये होंगे। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है ना, आप किस एंटिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो। ये जो इवेंट होंगे इस ड्यूरेशन में, ये जो इवेंट होंगे ये कौन से इवेंट होंगे, या तो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएंगे या फिर ये नॉन एडजस्टिंग। कल इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया था मैंने, चलो आगे चलो। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब इनको एडजस्ट किया जाएगा, और नॉन एडजस्टिंग का मतलब इनको डिस्क्लोज किया जाएगा। कल वो एक वो बनाई थी, एक लाइन बनवाई थी क्या आप लोगों से, लिखवा दी थी ना, चलो हाँ। नेक्स्ट अब लिखो आप नंबर टू, एडजस्टिंग इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट्स दोज विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज
सबसीक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट दैट विच आर इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशन दैट अरोज सबसीक्वेंट. बेटा इसे ऐसा कर लो, पहले क्या लिख लो, ये नॉन लिख दो, फिर काटापीटी नहीं होगी. ये किसका लिख दिया मैंने, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, पहले नॉन कर दो यहां पर, वरना फिर काटना पड़ जाएगा पूरा का पूरा. दैट विच आर इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशन दैट अरोज सब्सिक्वेंटली टू द बैलेंस शीट डेट. देखो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट एडजस्टेड ओनली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. ये तो मीनिंग हो गया, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया. नॉट एडजस्टेड लिख लिया सबने. अब लिखो नेक्स्ट, बोलो क्या. एडजस्टिंग इवेंट्स हटा दूं इसे. बेटा मैं ये एएस की लैंग्वेज में ही लिख रहा हूं, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा बनाकर, तो ये याद कर लेना आप लोग. यहां पर लिखो आप एडजस्टिंग इवेंट. Adjusting event, those which provide further evidence of conditions that exist at the balance sheet date, that exist at the balance sheet date, treatment, adjustment of adjustment to assets and liabilities, assets liabilities are required in case of such events. ये तीन जो लिखवाए हैं ये याद कर लेना एज इट इज, इनके रेफरेंसेस ही देने मैंने आपको. अब तक से शायद समझ में आ गया होगा ये क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना. केस स्टडी आएगी जिसमें आपको आंसर देना होगा. लिख लिया सबने. अब बेटा इसमें दोबारा देखिए आप लोग, मैं हटा रहा हूं इसे. इसमें आप लोग अगर गौर करो तो जब हमने, अब शायद आप आंसर दे पाओ बेटा. ये है आपका 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012. ये है आपका डेट ऑफ अप्रूवल 1 जुलाई. मैं बार बार 1 जुलाई ले रहा हूं, ठीक है. वो क्वेश्चन बता देगा आपको कौन सी डेट है. ये बैलेंस शीट डेट है और ये अप्रूवल डेट है. अप्रूवल डेट है, बोलो आ गया समझ में. ये बताओ यहां पर आपका मशीन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ मशीन,
फर्स्ट अगस्त को लॉस ऑफ मशीन बिकॉज ऑफ फायर, 20 करोड़ की मशीन जल के ना राख हो गई, बताओ मतलब कौन सा इवेंट है, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग, बोलो सारे बच्चे क्यों। बेटा जल्दी से बताओ, एडजस्टिंग, अगर एडजस्टिंग है तो ए लिखना, ये तो नॉन एडजस्टिंग बता रहे हैं सारे के सारे, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो एन लिखना। वेरी गुड, सबने बताया कि नॉन एडजस्टिंग है, आई बात समझ में। बेटा खिड़कियां हैं क्या घर के अंदर, जल्दी से बताओ सारे। बेटा खिड़कियां हैं क्या घर के अंदर, बोलो जल्दी। बेटा नकुल नहीं है तो बेटा, अगर बेटा है तो खोल लो, ठंडी ठंडी हवा आएगी, दिमाग फ्रेश होगा, तभी तो सफोकेशन में ऐसे आंसर आते हैं। अब खिड़कियां ही नहीं है बेटा, छत पे जाके बैठो। हाँ बेटा कोई बात नहीं, छत तो होगी, छत तो है, तो बेटा छत पे जाकर बैठो ठीक है। और खिड़कियां हैं तो सारे बच्चे खिड़कियां खोल लो, एक्चुअली क्या है ना, आप सफोकेशन में बैठे हो तो आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, नालायकों ये किसके दायरे में आ ही नहीं रहा, सोचना नहीं है, बस दो बातें बता दी, अब इसको बता दो बस, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। बेटा ये AS4 में के दायरे में आ ही नहीं रहा, और मैंने शायद कल बताया था ये बात, अरे बताई थी नहीं बताई थी, मैंने कहा था कई बार क्वेश्चन आ चुके और बच्चा एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग और रामायण लिखाता है, आ हा, और फिर बोलता 5 नंबर आएंगे। बेटा समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा ये ना तो एडजस्टिंग है नॉन नॉन एडजस्टिंग, ये AS4 के प्रीव्यू में आ ही नहीं रहा। मैंने कल आप लोगों को कहा था, जब भी आप, क्योंकि थ्योरिटिकल आंसर देना है, केस स्टडी बेस्ड आंसर है, AS4 के प्रीव्यू में आने के लिए बताओ पहले क्या होना चाहिए, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट होना चाहिए, उसके बाद देख लो, सबसे पहले डेफिनेशन यही लिखवाइए, उसके बाद डिसाइड करोगे। फिर मैंने क्या कहा था, वो वाले टाइप, वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट, उनके टाइप बताएं। पहले तो मैंने लिखवाया है कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या है, सिग्निफिकेंट इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल के पहले यानी इस डेट के बीच में हो, ये होंगे दो, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। क्वेश्चन हालांकि रेयर आए हुए आते हैं, ऐसे कम आते हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो पहले तो भाई साहब ये चेक कर लेना कि ये सिग्निफिकेंट इवेंट है या नहीं, जो बैलेंस शीट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाला ये नहीं है तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग। तो आप बताओगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग और नाइदर इट इज एडजस्टिंग नॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बस काम ही खत्म। ऐसे क्वेश्चन आपको लगता है कि एग्जाम में आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कई बार आ जाते हैं तो आपको दिमाग में होना चाहिए। चलो इसमें तो कोई कहानी लिखनी नहीं है, ये तो मेरे काम की बात नहीं। अब आ गए मुद्दे पर, तो एक बात तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि इसके बीच में होगा तो बात बनेगी, तो इसके बीच में इवेंट हुआ। बेटा यहां पर अगर स्टॉक जल गया, 4 अप्रैल को स्टॉक जल गया, ये स्टॉक यहां था, 2 अप्रैल को स्टॉक जल गया, 4 अप्रैल को स्टॉक जल गया, जो भी है 10 करोड़ का स्टॉक यहां था, ये स्टॉक जल गया, बताओ कौन सा इवेंट है, बोलो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यहां पर बताओ स्टॉक कितने का दिखाएंगे, बेटा इसे बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 की है, जिसको बनने में समय लग गया, तो यहां पर आपका 10 करोड़ का ही स्टॉक आएगा, और नीचे बताओ क्या लग जाएगा, एक क्या बताओ, क्या लॉस बाय फायर, स्टॉक लॉस बाय फायर 10 करोड़ रुपए। तो इससे क्या है, यूजर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वरना 1 साल डिले हो जाती, ऐसा नहीं कंपनी छुपाती बताती, लेकिन 1 साल डिले हो जाती, तो इसको यूजर्स को हेल्प मिली है बस, और कुछ भी लेना देना नहीं है। आई कहानी समझ में, एक बात अच्छा, ये नॉन एडजस्टिंग क्यों है, देखो क्या लिखवाया नॉन एडजस्टिंग में, बोलो नॉन एडजस्टिंग में क्या लिखवाया, कंडीशन अरोज सबसीक्वेंटली आफ्टर बैलेंस शीट डेट,
बेटा क्या ये बताओ, ये आग लगने वाली है, इस बात का क्या यहां पता था क्या? बेटा बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो दैट्स व्हाई ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका केवल डिस्क्लोजर होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012, फर्स्ट अप्रैल 2012, 31 मार्च 2013, बैलेंस शीट डेट। बेटा आपके पास डेटर्स हैं, यहां पर 50 करोड़ रुपए के डेटर्स हैं, 50 करोड़ रुपए के डेटर्स हैं। अब ये बताओ, एक डेटर था यहां पर, एक डेटर था यहां पर जिसको 2 करोड़ रुपए का आपने प्रोडक्ट बेचा था, मिस्टर एक्स। आपने यहां कोई 28 मार्च को 2 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा था और ये 1 जुलाई डेट ऑफ अप्रूवल है। इस डेटर को जैसे ही हमने प्रोडक्ट बेचा 28 मार्च को, और बेटा 28 मार्च को बताओ एक इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, एक सूचना आ गई कि भाई इस एक्स की प्रमाइसिस में आग लग गई, और इसकी एक्स की प्रमाइसिस बताओ क्या हो गई, डैमेज हो गई, सारी की सारी इसकी प्रमाइसिस डैमेज हो गई, इस एक्स की सारी प्रमाइसिस डैमेज हो गई। ठीक है, बढ़िया बात है। अब बताओ, और ये भी पता चला कि ये बताओ क्या होने वाला है, इंसॉल्वेंट होने वाला है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया और इंश्योर्ड कुछ था नहीं, तो हमें पता चला कि इसने बेवकूफी कर रखी थी। ये क्या, ये इंसॉल्वेंट हो गया क्या? बेटा इंसॉल्वेंसी एक लॉन्ग प्रोसेस है, ध्यान रखना, कोर्ट में अप्लाई करना, 50 तरह के ड्रामे होते हैं, लेकिन ये इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह की इंफॉर्मेशन है मार्केट में कि हाँ सब बर्बाद हो गया। बताओ यहां पर आते आते, यहां पर आते आते बताओ ये कोर्ट ने बताओ क्या कर दिया, इसे इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर कर दिया। मैंने इसको 3 महीने का क्रेडिट ड्यूरेशन दिया था कि 3 महीने में पेमेंट कर देना, ये इंसॉल्वेंट भी हो गया। अब बताओ यहां जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, इस बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के दिखाऊं, बोलो, इस बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के दिखाऊं, बोलो बेटा, 50 करोड़ माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बोलो कितने रुपए। बैड डेट्स नहीं दिखाऊंगा भाई साहब, आप बोलोगे सर डूब तो गया, अरे मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूं, 31 मार्च को थोड़ी पेमेंट मांगते थे आप, 31 मार्च को थोड़ी पैसा देता वो, 31 मार्च को थोड़ी डूबा, वहां तो आग लगी थी। लेकिन बताओ बैलेंस शीट डेट पर क्या इंफॉर्मेशन थी कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, बोलो आ गई बात समझ में, इस आदमी के साथ गड़बड़ हो सकती है और वो बाद में हो भी गई। तो बताओ यहां ये जो इंसॉल्वेंट हुआ, क्या इसका इंडिकेशन, इसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट पर था? हाँ था, डूबा। अच्छा बैड डेब्ट्स की एंट्री आएगी या नहीं आएगी? अरे आएगी, किस साल, अगले साल, इस साल तो बैड डेब्ट्स की एंट्री आनी है ना, कौन रोक रहा है बैड डेब्ट्स की एंट्री को? लेकिन आपको नहीं लग रहा अगर इस साल बैड डेब्ट्स की एंट्री आएगी तो इंफॉर्मेशन लेट हो जाएगी 1 साल, तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा इवेंट बन गया, एडजस्टिंग इवेंट। तो बताओ मुझे पीएनएल में क्या करना पड़ेगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, 2 करोड़ का प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसका। और बताओ मेरे यहां पर डेटर्स को कितने के दिखाऊंगा, 48 करोड़ रुपए के। बताओ कौन सा इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट। आपको नहीं लग रहा ये ज्यादा बेटर डिस्क्लोजर है, समझ में आ रही है क्या बात? जब बेटा बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, हो नहीं हो प्रोविजन बना लो, नहीं हुई तो प्रोविजन को अगले साल रिवर्स कर देना, हो जाए तो आपकी अकाउंटिंग तो कंजर्वेटिव अप्रोच पर चलती है, कहां दिक्कत आ रही है, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलती है। तो बेटा मैंने कंजर्वेटिवली बताओ क्या किया, बैलेंस शीट डेट पर क्योंकि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो मैंने उसका प्रोविजन बना लिया, बैड डेट्स की एंट्री तो यहां हो ही जाएगी, मुझे अगले साल से मतलब नहीं है, ये तो इवेंट हुआ है। बताओ ये क्या है, इसका इंसॉल्वेंसी बताओ क्या है, अरे इसकी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना क्या एक इवेंट है, जो कहां हुआ है, बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल से पहले, क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं? अरे भाई साहब 2 करोड़ का एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया मार्केट में, जिसको मुझे मुझे पैसे लेने थे, समझ में आया, एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। क्या बैलेंस शीट डेट पर इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? हाँ करती थी, 28 तारीख को ही हो गया था गड़बड़ उसके साथ, 28 तारीख को मार्केट में फैल गया था, 28 तारीख को मुझे पता चल गया था कि इसके साथ गड़बड़ होने वाली है,
अगर बेटा आपको नहीं लगता 31 मार्च को ही मैं बैलेंस शीट बनाने में कैपेबल होता, मैं इस तरह का, मेरे पास कोई जादुई मंत्र होता कि मैं 365 दिन का डेटा 31 मार्च को मैनेज कर देता एक ही दिन में, तो आपको नहीं लगता मेरे पास 31 मार्च को इंफॉर्मेशन थी तो मैं प्रोविजन बनाता या नहीं बनाता? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बेटा 2 अप्रैल को आग लगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 अप्रैल को आग लगी। अगर मैं ताकतवर होता, कोई देवीय शक्ति होती मेरे पास, और मैं 31 मार्च को ही क्या बना देता, बैलेंस शीट बना देता, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट फाइनलाइज कर देता, तो बेटा क्या 2 अप्रैल का डेटा उसमें एडजस्ट कर पाता क्या? नहीं कर पाता। तो ऐसे डेटा का क्या करूंगा मैं, डिस्क्लोजर, नॉन एडजस्टिंग। अगर मैं 31 मार्च को बनाने में ताकतवर हूं और मेरे पास उस दिन किसी चीज का क्या है, इंडिकेशन है, तो बेटा मैं उसको एडजस्ट करके दिखाऊंगा, चाहे मैं अपना फाइनेंशियल डेटा लेट बना रहा हूं। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये बताओ, आपको एक मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई? इस डेट और इस डेट के बीच बताओ क्या है, कुछ इवेंट्स घटेंगे। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक लॉस बाय फायर, यहां कहीं होंगे वो इवेंट, यहां कहीं होंगे इन डेट्स में, एक आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ इवेंट घटेंगे। आपको केवल इतना सा देखना है, क्या यहां पर उनके बारे में कोई एविडेंस या इंफॉर्मेशन थी? अगर आपको आंसर मिलता है यस, तो बताओ क्या किए जाएंगे, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही एडजस्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपको आंसर मिलता है नो, कि वहां इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो एडजस्ट नहीं होगा, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उनका डिस्क्लोजर किया जाएगा। मुझे लगता समझ में आ गई कहानी, डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया बेटा, याद करना, पहचानने का तरीका बता दिया, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई माथापोड़ी है नहीं बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो समझ में आया? और बेटा खिड़कियां बनवाओ घर में, ऐसे क्या घुटन में बैठे रहते हो, घरों में खिड़कियां होनी चाहिए। क्यों? ओ, अब क्लास खत्म होने वाली है, और 10 मिनट रुक जाता। तू तो सो रहा है नालायक, मेरे को ज्ञान मत पे ले, पता है कैसे सो रहा है, मतलब च्युइंगम भी का, सोते समय आंख बंद हो रही है ना, तो च्युइंगम मुंह बंद नहीं हो रहा है इसका, तो कुछ और चबा रहा होगा, जी भी चबा रहा होगा ये परमानेंट च्युइंगम है, इधर रख लो, फिर इधर लिया होगा तुम चलो थोड़ा सा ऊपर कर दे यार, रहने दे यार, अब पूरी क्लास से निकल गई। बस बस बस, ज्यादा ऊपर हो गया सर, 500 रुपये मांग रहा है वर्कर। बेटा किस बात के, 500 रुपये में कौन सी खिड़की बन रही है यार, सस्ते में बन रही है बेटा, ऐसा कर सारी दीवार हटा के खिड़की बनवा ले, बहुत सस्ते में बन रही है 500 रुपये से। बेटा आजकल लोग बात करने के लिए जाते हैं, कि आके देख कर जाएगा, और कुछ आया बातचीत करके गया, बोला था 500 रुपये, तो किस बात की, बोले मैंने बताया ना ये ठीक होगा नहीं होगा। बेटा नकुल सस्ते में बन रही है, और बनवा ले फटाफट, 5-7 करूंगा बेटा, वो मैं बीच में बता दूंगा, मैं बीच में करना क्या है, मैं कभी सवाल पूछूंगा और उसका गलत आंसर आया तो फिर मैं बता दूंगा करना क्या कभी कभी मैं सवाल पूछूंगा, अगर गलत आंसर आए तो मैं गाइड करता रहूंगा तेरे को बीच बीच में बेटा अब मैं नहीं कूदूंगा, मैं पहले बोलता था मैं खिड़की खोल कूद जाऊं, बच्चे वहां खिड़की है, वहां खिड़की है सर, वहां खिड़की है सर, रिस्की है तो मत बनवा बेटा, इंश्योरेंस नहीं है मेरा तो। तू यार ऐसा क्या सोच रहा है,
तो पहले ऐसा कर इंश्योरेंस करवा ले, खिड़की बाद में बनवा ले। अब सही है। चल बेटा कोई बात नहीं, फाइनल में मिलेंगे, तो फाइनल तक तू अपना इंश्योरेंस भी करवा लेना, खिड़की भी बनवा लेना, इंटर तो ऐसे ही चलने दे। चलो नेक्स्ट, ये बताओ हमने कुछ बात की और अब गाड़ी के सामने, अब तू जवाब देना, गाड़ी के सामने तेरे को लाऊंगा मैं नालायक। अब तू जवाब तो दे तो तेरे को मैं बताता हूँ, जब दूसरे से बात करो तो तेरे को जोश आता है ना, और अगर तूने कोई गलत जवाब दिया फिर तू देगा। अब की बार मेरे दिमाग में कुछ विचार आए हैं और वो विचार मैं संभाल के रखूंगा कब तक, जब तक तेरा गलत जवाब नहीं आता। अब तू सोच समझ के जवाब दियो वरना देख तेरे को मैं बताता हूँ अच्छी तरह। नेक्स्ट, अब आ जाओ मुद्दे पर, एक लिखो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नंबर वन, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नॉन एडजस्टिंग आइटम, नॉन एडजस्टिंग आइटम ओनली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एज पर कंपनीज एएस अमेंडमेंट रूल्स 2016 issued on 31st March 2016. Second, going concern assumption, if going concern assumption, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड ड्यू टू इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, financial statements are prepared on liquidation basis, अभी बात करते थे। लिख लिया है बेटा, वो जो मैंने आपको बताया था, अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। हाँ, दो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए, बताओ कौन से।
एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, बोलो आ गया समझ में? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग में आपको किसका रेफरेंस देना पड़ सकता है? बोलो, गोइन कंसर्न का रेफरेंस देना पड़ सकता है। वो रेफरेंस कैसे होगा अभी बात करते हैं। एक बोलो क्या है, एक ये डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो बेटा इस एस में कितने क्वेश्चन निकल कर आते हैं? तीन, अगर हम कुल बात करें तो तीन, एक एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग जिसमें किसका रेफरेंस हो सकता है, गोइंग कंसर्न का रेफरेंस इसी में हो सकता है, और एक डिविडेंड। तीन तरह के क्वेश्चन निकल कर आते हैं इससे। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन वाला क्वेश्चन बेटा एग्जाम में कई बार आ चुका है, कब, किसके बाद, बोलो मार्च के बाद, बोलो आ गया समझ में? ये मार्च 16 में क्या आया था, एक चेंज आया था, अमेंडमेंट आया था, उसके बाद ये कई बार आ चुका, तो मुझे नहीं लगता अब ये बहुत ज्यादा कुछ आने वाला है, लेकिन फिर भी बताओ आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आ चुका कई बार, तो अब इसके चांस मुझे नहीं लगते बहुत ज्यादा है। अब सारे बच्चे समझना, या मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ क्या खुला पड़ा है, व्हाट्सएप किसने खोल दिया यार? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बेटा सारे बच्चे बुक्स ओपन कर लो फटाफट अपने। सारे या क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं होगा क्या ऊपर? ये रहा देखो पॉइंट, पेज नंबर 1.5 पर, पेज नंबर 1.5 बेटा ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पेज नंबर 1.5 क्या, डिविडेंड डिक्लेरेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो डिविडेंड डिक्लेरेशन क्या था मैं आपको समझा देता हूं। बेटा ये फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट है, 31 मार्च 2011 है, 1 अप्रैल 2010 है, ये 1 अप्रैल 2011 है, 31 मार्च 2012 है, ये बैलेंस शीट डेट है, और ये अप्रूवल डेट है, कोई अप्रूवल डेट है। बेटा यहां कहीं मान लो 1 जुलाई है, और यहां कहीं कोई 28 जून है, 28 जून को बताओ क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, अनाउंस किया डिविडेंड कि 10% डिविडेंड हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, 10% डिविडेंड हम पे करेंगे। मुझे बताओ जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेटा 10% डिविडेंड अनाउंस कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब 10% डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो क्या ये कंपनी की लायबिलिटी बन गया क्या, बोलो? अरे यस और नो बेटा, नहीं मना। अरे लॉ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? अभी तो ये एजीएम में जाएगा, एजीएम में जाएगा तब जाके क्या होगा, ये अप्रूव होगा। हालांकि एजीएम में इसको मना कोई नहीं करेगा, शेयर होल्डर पागल थोड़ी होते हैं, वो तो अपने उनको फायदे की बात है हाँ करेंगे, तो ये मोस्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एजीएम कहाँ हुई, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट की। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो रखे जाएंगे एजीएम में, एजीएम बट ऑब्वियस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होने के बाद हो। तो ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं बना, एक प्रपोजल ही तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कहीं भी अनाउंस कर दे, मैंने तो 28 तारीख बोली, 2 तारीख को अनाउंस करते हैं हम 10% देंगे, 15% देंगे, कभी भी अनाउंस करते हैं इस ड्यूरेशन के बीच में। तो बताओ वो क्या है, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? बेटा नॉन एडजस्टिंग, बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन थोड़ी एग्जिस्ट करती थी बेटा। उनके पास, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उनके पास धीरे धीरे से बताओ क्या आने लगी, इंफॉर्मेशन आने लगी कि कंपनी अच्छे फायदे में, कंपनी ये कर सकती है, वो कर सकती है, फलान कर सकती है। तो उन्होंने बताओ क्या लिया, एक डिसीजन लिया, अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, बस खत्म।
अभी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बैलेंस शीट डेट के बाद जब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होते हैं तो चीजें थोड़ा सा उभर कर आती हैं, तब जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं, तब जाके वो अनाउंसमेंट करते हैं। वो भी कोई पुख्ता नहीं है, केवल अनाउंसमेंट है, अभी उस पर ठप्पा लगना बाकी है। आपने कहा हम ये काम कर देंगे, अब करोगे या नहीं करोगे तो बेटा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, तो अभी तो वो एक्शन में आया नहीं है, कन्फर्म हुआ नहीं है। तो पहले बताओ इसे क्या बोलते थे, प्रपोज, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करते हैं इसे क्या बोलते हैं, प्रपोज डिविडेंड। और ये प्रपोज डिविडेंड बताओ क्या करते थे हम लोग बेटा, नॉन एडजस्टिंग होते हुए भी, यानी बैलेंस शीट डेट पर इसके कोई एविडेंस नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ समय बाद अनाउंसमेंट किया और हम इसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हुए भी क्या कर दिया करते थे, एडजस्ट कर दिया करते थे और एंट्री बना देते थे पीएनएल से, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड डिविडेंड एंट्री बना देते थे, और इस प्रपोज्ड डिविडेंड को बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी शो कर देते थे क्योंकि अभी देनी है कुछ समय बाद, जबकि बताओ वो क्या नहीं होती थी। अरे भाई साहब, जिस दिन प्रपोजल आया यानी अप्रूवल से पहले वो लायबिलिटी होती ही नहीं थी, गई क्या बात दिमाग में, वो अप्रूवल से पहले लायबिलिटी थी ही नहीं। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर बोलता था ऐसा करने के लिए, आ गया समझ में, AS4 बोलता था। हालांकि AS4 ये भी बोलता था कि ये आइटम कौन सा है, नॉन एडजस्टिंग, लेकिन फिर भी बताओ क्या बोलता था वो, एडजस्ट कर दो, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आ गया समझ में। फिर इस बात को बताओ उसने क्या किया बेटा, 2016 में बदल कर रख दिया, इस बात को उसने 2016 में चेंज कर दिया। और बेटा जैसे ही चेंज किया ये अमेंडमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इन्होंने फिर लगातार इसको पूछ भी लिया 2-4-5 बार, तो ये 17, 18 में, 19 में लगातार पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी चांस बनते हैं कभी आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग सारे देखो इसे, देयर आर इवेंट्स विच ऑल दो टेक प्लेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर समटाइम रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, देर आर इवेंट, जो कब होंगे इवेंट्स, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट रिफ्लेक्टेड इन, रिफ्लेक्टेड मीन्स वॉट बेटा, एडजस्टेड, दिखाए जाएंगे, यानी एडजस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ लॉ रिक्वायरमेंट, या तो कानून बोलता है या फिर स्पेशल नेचर, या उनका स्पेशल नेचर। अब स्पेशल नेचर कौन डिसाइड करेगा, यस भाई हम इसको स्पेशल दर्जा देते हैं। तो ये बोल रहा है कुछ इवेंट हालांकि बैलेंस शीट डेट के बाद जन्म लेंगे लेकिन वो फिर भी रिफ्लेक्ट किए जाएंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल नेचर और बिकॉज ऑफ स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स। आपको पता है अगर कोई चीज का कानून बना हुआ है तो बताओ AS क्या नहीं कर सकता, उसे ओवर रूल नहीं कर सकता। फिर बेटा अगर लॉ बना हुआ है तो AS बोलता मैं साइलेंट हूं भाई, लॉ की बात माननी पड़ेगी। अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और लॉ वो क्या बोल रहा है, लॉ बना हुआ है, कोई कानून बना हुआ है कि इसे क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, किसी इवेंट का लॉ में हवाला दे दिया, तो बेटा फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसे एडजस्ट ही करना पड़ेगा। या फिर कोई स्पेशल नेचर का, चलो फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप चाहो तो पॉइंट नंबर 1 कर दो इसे, अगर आपके पास बुक है तो, क्योंकि आप फ्लो में पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी, अगर आप ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इसे पॉइंट नंबर 2 कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ डिविडेंट आर डिक्लेयर्ड, बेटा इसने एग्जाम्पल भी किसका दिया है, क्यों, क्योंकि डिविडेंट पर ही पहले यहां पर गड़बड़ थी, डिविडेंट को ही इसने बताओ क्या बोल रखा था, स्पेशल नेचर आइटम बोला हुआ था इसने। अब देखो इसने कमेंट भी किस पर किया है, ये क्या बोल रहा है, डिविडेंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, उसी पर कमेंट किया है ये, डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो ये आ गया आपका सेकंड, फॉर एग्जांपल इफ डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड, क्या बोलना चाह रहा है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट और बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड, क्या बोलना चाह रहा है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट,
समझ में आ गया, यानी इसके बीच में ही हुआ ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। द डिविडेंड आर नॉट रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट द टाइम अनलेस बोलो लॉ रिक्वायर्स। बोलो क्लियर है, ये लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा जब तक कानून ना बोले। सच डिविडेंड, तीसरा लाइन टुकड़ों में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सच डिविडेंड आर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स दस नो लाइबिलिटी फॉर प्रपोज डिविडेंड टू बी रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 31st March 2017 एंड सबसीक्वेंट ईयर्स। बोलो बात समझ में आ गई। अरे पहले ये खुद क्या बोलता था, इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज लायबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट किया जाएगा, और इसने कहा अब 31st March 2017 के बाद ऐसा नहीं किया जाएगा। फोर्थ के बाद ये फोर्थ पॉइंट, सच प्रपोज डिविडेंड जो बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करेंगे उसे प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। सच प्रपोज डिविडेंड आर टू बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट एज पर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल 16 इशूड इन मार्च 16। बोलो आ गया समझ में। तो बेटा अब है ना, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आए हुए, मैंने कहा बहुत आ चुके, जरूरत से ज्यादा पूछ लिया इन्होंने इस पर, लेकिन फिर भी आपको ये लर्न करना है बेटा, ये एज इट इज याद करना है, लिख लो मोस्ट लर्न करना है। ये यहां से ये एज इट इज लिखवाना था तो अब क्या करें इसमें से? तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर ये लर्न करना है बेटा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो बोलेगा 2 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% डिविडेंड क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया, ठीक है ना, और अकाउंटेंट ने बताओ इसको क्या कर लिया, इसका प्रोविजन बना लिया। तो इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 प्लीज कमेंट। तो आपको बताना है भाई, आप इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर अप्रूवल, देयर आर टू टाइप ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। तो सच नॉन इवेंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ लॉ रिक्वायर्स या स्पेशल नेचर। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड का एग्जाम्पल दोगे, प्रपोज डिविडेंड बाय द कंपनी नॉट ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, दैट्स व्हाई शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर 31st March 2017 एंड प्रपोज डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज आउटसाइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2016 इशूड ऑन 30th March 2016। ये पूरी रामायण लिखनी है आपको, आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो मैंने आपको लिखवा भी दिया डिविडेंड डिक्लेरेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट और उस पर ये कमेंट भी कर दिया। अब एक क्या बचा है खाली, बोलो गोइंग कंसर्न, इसके बारे में कल डिस्कशन करके मुद्दे को खत्म करेंगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ में आई सबको, वाई एंटर करो बेटा जल्दी से, यहां तक की तो बात क्लियर है, हालांकि अभी बात पूरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत बाकी है, कल कंप्लीट हो जाएगी। चलो बच्चों, हरे कृष्णा बेटा, कल मिलते हैं, हरे कृष्णा बेटा।